हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ताल्लुक ग्रीनबॉक से है और हमारी जो इकॉनमी की तकरीबन 70 से 80% जो मीशत है वो ज़रात पर ही चल रही है और तकरीबन हाफ ऑफ जो हमारे मुल्क का आधे से ज़्यादा रकबा है वो भी ज़रात पर मुश्तमल है। तो आज के जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो भी ज़रात से ताल्लुक़ रखता है और शुभे के हवाले से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सकें। तो करते हैं वीडियो शुरू। चूँकि हमारा ताल्लुक ग्रीन मुल्क से और ज़रात और जो काश्तकार है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह जो एग्रीकल्चर मैन है किस तरह उसको जो आप मिडल मैन है या ब्रोकर कह लें या व्यापारी कह लें किस तरह उसको हर फील्ड में चुनने लगाता है, चाहे वो ज़रिए अजनास हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे इधर आप कह लें खेती बाड़ी हो या फिर बेचने वाले चीज़ें होगी, जानवर वगैरह हो गए, दूध वगैरह हो गए। इवन के ज़रात के हर शोबे में जो मिडल मैन है या ब्रोकर कह लें या व्यापारी कह लें किस तरह एक आम काश्तकार को जिसकी मंडी तक रसाई नहीं होती किस तरह उसको चुना लगाता है। तो बात करते हैं शुरू पहले नंबर से। अब आगे जैसे मौसम आ रही है गंदम की, तो गंदम उगाई जाएगी तकरीबन नेक्स्ट 2 महीने में गंदम का सीजन, गंदम उगाई जाएगी। तो आप जब गंदम पक के तैयार हो जाती है तो जो एग्रीकल्चर मैन होता है, साफ सारे एग्रीकल्चर जो होते हैं एग्रीकल्चर मैन सारे पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, उनमें से कुछ अनपढ़ भी होते हैं जिनके मतलब डायरेक्ट मंडी तक सही हासिल नहीं होती, तो इस्तेमाल करते हैं व्यापारी का या ब्रोकर का या फिर मिडल मैन का। अब मिडल मैन किस तरह एक आम जो बोला बोला काश्तकार है किस तरह उसको धोखा देता है। अब मसलन अगर ज़रात की गंदम की कीमत चल रही है 2800 या 3000 पर मन, तो जो मिडल मैन है वो तकरीबन जो एक एग्रीकल्चर मैन है उसको 2200 देगा, ऊपर से 300-400 अपनी जेब में रखेगा और जो फिर उसको मंडी में लेके जाएगा वहाँ उसको 2022 की खरीदी हुई कीमत को 3000 या 3500 या 3200 मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो जाके वहाँ बेचेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान फिर हुआ एग्रीकल्चर का हुआ, मिडल एग्रीकल्चर मैन का हुआ जिसने साफ ज़रा 7 साल मेहनत की हुई होती है, पानी दिया होता अपनी फसलों को, बीज दी हुई थी, खाद वगैरह दी हुई थी है। तो पहले नंबर पर तो इस तरह ये गंदम की मिसाल हो गया। अब इसी तरह कपास की मिसाल ले लें, जब कपास की मौसम आती है तकरीबन आप रेट जो मौजूदा रेट चल रहा है 9100-9200 तकरीबन 10,000 तक भी है, 11,000 तक भी किया है। अब जो छोटे लेवल पर होते हैं व्यापारी वगैरह जो मिडिल मैन होते हैं अब वो ले रहे हैं तकरीबन कोई किसी का 8,000 ले रहे हैं, किसी का 81,000, किसी का 82,000-83,000 मतलब पूरी कीमत नहीं दे रहे। अब उनका उजर ये है कि क्योंकि इस दफ़ा फसल कपास की फसल कम हुई है और कपास है तो हुई नहीं है, तो कपास कम है इसलिए हम रेट कम दे रहे हैं, लेकिन या आगे जब मंडी में या फैक्ट्री में लेके जाएंगे तो वहाँ पर पूरी कीमत ले जाएंगे, पूरी कीमत से कमाएंगे। तो दूसरे नंबर पर ये कपास और कपास में जिसमें काश्तकार को नुकसान हो रहा है। अब अगर ज़राई इजनास पे आ जाएँ आप, जैसे कि इस मौसम में तिली होगी, तिली की फसल होगी, दूसरा तेल वगैरह हो गए, ये भी बेचने वाली चीज़ें हैं। अब इनकी कीमत भी इसी तरह है, मतलब आगे अगर कीमत 5000 या 6000 चल रही है तो यहाँ से तकरीबन 3500 या 4000 रुपये उठा जाता है जो मिडल मैन या ब्रोकर वगैरह होता है। तो इस तरह से मतलब कि इवन के आप हर एग्रीकल्चर के हर शोबे में चले जाएँ जहाँ जहाँ पे ये बिकने वाली चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पर मंडी में जाने वाली चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर मैन जो बेचारा होता है उसकी मंडी तक रसाई होती नहीं, वो साफ ब्रोकर का इस्तेमाल करता है। आगे किस तरह ये ब्रोकर एक आम इंसान या आम काश्तकार को नुकसान या नुकसान पहुँचा रहा है साफ तरह। अब उसने तो 7 साल की होती है मेहनत, अब मेहनत जो की होती है तो आधे से ज़्यादा फल ले जाते हैं मिडल मैन, तो इसलिए ऐसे कोई इकदाम करने चाहिए कि जो
एग्रीकल्चर मैन होता है वो ख़ुद अपनी चीज़ जो जाके मंडी में दिया है, तो साफ तरह ऐसी के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लोकल पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि जो एग्रीकल्चर मैन होता है जिसकी चीज़ होती है जो मालिक होता है चीज़ का उसका कम से कम नुकसान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो ताकि जो एग्रीकल्चर है वो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करे और एग्रीकल्चर से ज़्यादा मुल्क को फ़ायदा हो सके। अब अक्सर बाद अवत ऐसी होता है जो कपास की फसल हुई कम है तो उसमें सबसे मेन ये ब्रोकर है जो मिडल मैन होता है। अब मिडल मैन जो कपास ले जाता है लो क्वालिटी के कपास ले जाता है आगे वो लोकल फैक्ट्री में दे जाता है, मतलब अगर कपास की लो क्वालिटी लो है तो लो क्वालिटी को ले जाएगा लोकल लेवल पे जो फैक्ट्री लगी है वहाँ से वो बीज वगैरह निकलवा के पेवा पे ना उसको वही पेवा पे रोज थेरी वगैरह बंद करके लोकल लेवल पे फिर वही वापस भेज देता है। सबसे मेन रीज़न है कपास ख़त्म होने की वो यही है कि एक आम जो ख़राब बीज होता है उसी को लोकल लेवल पर तैयार करके उसी को फिर बेचा जाता है, हालांकि अगर वो उसकी मतलब प्रॉपर इंस्पेक्शन वगैरह हो अगर कुछ चेक एंड बैलेंस हो तो वो इस तरह का काम कोई कर ही ना सके। लेकिन खैर यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वो वाला सोच चलता है और वो वाला काम हो रहा है हमारे मुल्क में, तो इस यहाँ पे हर किसी की अपनी मनमानी है, हर कोई अपनी क्या कहें अपना हुक्म चलाता है और बीच में नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है फार्मर का हो रहा है, साफ ज़रा जो मेहनत करता सारा था। अब इसी तरह जानवर का जो फार्म पालता है दूध भी बेचता है तो वहाँ पे भी मिडल मैन फ़ायदा उठा जाता है, वहाँ पे भी इसको चूना लगा जाता है। अब कोई भी चीज़ अगर फार्मर जानवर वगैरह पालता है बैल हो गया भैंस होगी गाय होगी कोई भी चीज़ अगर बेचने पे है तो आधी कीमत अगर फिर लेने जाए तो फुल कीमत, मतलब अगर फार्मर एक चीज़ का 80 लाख रुपये या 1.5 लाख मांग रहा है तो जो मिडल मैन होता है जो मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला होता है वो दे जाता है 70,000, 80,000, 90,000 फुल कीमत कभी भी नहीं देता। अगर ये चीज़ फार्मर किसी से लेने जाए तो वहाँ पे उसको 2 लाख 2.5 लाख इस तरह मिलती है। तो ये जो मिडल मैन का हमारा कंसेप्ट है एग्रीकल्चर में से ये निकालना पड़ेगा, ये निकलेगा तो एग्रीकल्चर जो बूम करेगी तरक्की होगी तो इससे काफ़ी हद तक मुल्क की मतलब जो मईशत है जो ज़रात के पोते पर चार दी है तो इससे पैदा होगा। तो साफ इसके लिए कोई ना कोई मैंने कहा लोकल लेवल पे या जो इंतज़ामिया है उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाए ताकि हर जगह पे हर शहर में छोटी छोटी मंडियाँ बनानी चाहिए ताकि जो एग्रीकल्चर मैन है जो अपनी जो भी अपनी फसल बेचना चाहता है वो डायरेक्ट उसका रब्ता मंडियों तक हो। अब जो एक गांव में बैठा है ज़रात में एग्रीकल्चर मैन वो बजाय जो बड़ी मंडियाँ तो साफ तरह दूर ही होती है वहाँ पे धक्का खाने के बजाय वो ब्रोकर का इस्तेमाल ही करता है, अब सबसे ज़्यादा चुना हुई ब्रोकर लगा रहा है। तो पहले स्टेप में ही मंडियाँ बनानी पड़ेगी, मंडी छोटे शहर में हर छोटे शहर में छोटी छोटी एक मंडी हो ताकि जो जिसका जितना भी माल हो ना एग्रीकल्चर मैन का वो वहाँ जाके बेचे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और फिर वो वापस आकर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और फिर जब ज़्यादा मेहनत होगी तो साफ ज़रा प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मीशत जो एग्रीकल्चर पर हमारी मीशत पेश कर रही है वो साफ हर चीज़ उसकी कीमत सही लगेगी और जो हमारे मुल्क की तरक्की है उसमें अपना जो हिस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। अब इसी तरह के कपास की फसल आ गन्ने की फसल आ रही है, अभी गन्ने की फसल की कीमत जो होती है तकरीबन पीछे जो हुकूमत तय करती है वो 400, 350, 380, 350 मान के हिसाब से होती है। अब जो मंडी में जो छोटे लेवल पर कंडे वगैरह लगे होते हैं जो गन्ना वगैरह लेते हैं वो दे रहे होते हैं 270, 280 ऊपर के ये खुद ही बचा रहे होते हैं। अब जो गन्ना का किसान उगाता है वो उसने रेडी वाले को भी देना होता है उठाने के लिए, आगे जो लेबर होती है उसको मतलब साफ़ करने के लिए उसको भी देता है, तकरीबन किसान को जो 280 या 270 एक आम कंडे पे मिल रहा होता है तो उसको तकरीबन मन के साथ मन में से 200 रुपये बचते हैं, तो इस तरह काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है बेचारे का। तो ये कुछ पॉइंट थे।
जिसमें एग्रीकल्चर या जो मिडिल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर मैन है जो हमारी या ज़रात है वो ऐसी मिडिल मैन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। जब तक ये कोई प्रॉपर स्टेप नहीं उठाए जाएंगे तो इस तरह जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मैन है उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक फायदा नहीं होगा तो आप अरे तो मेहनत नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो उसकी मीशत बेहतर नहीं होगी। तो इसलिए कि इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाने के लिए पड़ेगी, इंतज़ामियों को एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सोचने वाले और कहने वाले वाला करे कोई ऐसा वक्त आए कभी एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए और किसानों को फायदा हो, मुल्क को फायदा हो और जो मिडिल मैन का ये कंसेप्ट है ये खत्म हो जाए। तो साहब जरा प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ेगा इसके लिए। वाला करे वो वक्त चलता है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी वीडियो थी, मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी, जो मैंने पॉइंट उठाए आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, पहले एक दूसरे तो बात दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।